कानपुर के ग्वालटोली में हुई लाखों की चोरी का खुलासा ग्वालटोली पुलिस ने किया है। चोरी किए गए माल को पुलिस ने बरामद कर लिया है, साथ नकदी भी। पकड़े गए चोरों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ग्वालटोली में 48 घंटे पहले नकदी और ज्वेलरी समेत लाखों की चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। उसी क्रम में दो चोरों विशाल और विक्की को पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से चोरी का माल और नकदी बरामद हो गई है। एडीसीपी सेंट्रल आरती सिंह ने बताया कि चोरी की घटना के बाद तत्काल पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आरटीआई न्यूज 24 कानपुर। देखिए, दिनांक 15/10/2023 को एक थाना क्षेत्र ग्वालटोली में एक नकबजनी की सूचना प्राप्त होती है, जिस पर तत्काल पुलिस द्वारा समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। इस घटना के अनावरण हेतु टीमें लगातार प्रयास कर रही थी, परंतु ऑपरेशन दृष्टि और त्रिनेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे इनके आधार पर तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्त विशाल कुमार कठेरिया तथा विक्की सोनकर, इन दोनों को हमने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से घटना में चोरी किए गए संपूर्ण माल को भी बरामद कर लिया गया। इनके पास से हमें लगभग पीली धातु की 4 चूड़ियाँ, 1 चेन, 2 टॉप्स, 1 लॉकेट और 1 अंगूठी मिली है तथा सफ़ेद धातु की भी कुछ सिक्के बरामद हुए हैं। इसके साथ 38,000 रुपये भी बरामद किए गए। अब बेसिकली ये एक दो दिन पहले रेकी करते हैं, जो भी घर बंद होते हैं या फिर जो भी इनको इम्पॉर्टेंट ऐसे वो समझ में आते हैं जहाँ ये चोरी कर सकते हैं, फिर दूसरे दिन आके और जो भी अपना सूटेबल टाइम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग, वहाँ पे आके फिर ये उस घटना को अंजाम देते हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक की पूछताछ में कोई इनका आपराधिक इतिहास स्पष्ट नहीं हुआ है, ये पहली घटना है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।